हाय गाइस, स्वागत है मेरा नया चैनल यूट्यूब एक्सप्लेनर पे। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे 2 मिनट के अंदर आप एक नया प्रोफेशनल लुकिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल भी फ्रीली, विदाउट कोई कोडिंग स्किल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना जानने के बावजूद भी आप एक ऐसा अमेजिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं, और उससे एडमोब एड्स डाल के उससे भी दुगना अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप देख रहे हैं मेरा नया चैनल यूट्यूब एक्सप्लेनर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप इसी तरह की वीडियोज़ देखना पसंद है आपको, तो अगर आपने अभी तक मेरा इस YouTube एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस बटन को सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी फ्री है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपको एक लिंक पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है appgeizer.com। तो दोस्तों, उस लिंक पे जाने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जब चले जाइए उस पे आपको लॉग इन होना है। लॉग इन होने के बाद देखिए, स्टार्ट नाउ बटन को क्लिक कर सकते हैं और क्रिएट ऐप बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे क्लिक करेंगे तो उससे आपका ये वेबसाइट खुल जाएगा। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था कि मैं आज आपको कैसे 2 मिनट के अंदर अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको 2 मिनट के अंदर एक प्रोफेशनल लुकिंग में कन्वर्ट करके एडमोब के ऐड लगा के कैसे उसे अर्निंग कर सकते हैं, वही मैं आज को दिखाऊंगा आपको। दोस्तों जैसे आप क्रिएट ऐप बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा होम स्क्रीन आपके पास खुल जाएगा, या मैं डायरेक्ट एक लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसे प्रेस करके आप तुरंत इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल भी सिर थाम के बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा के पूरा स्टेप दिखाऊंगा और उससे आपको जरूर फायदा होगा। दोस्तों, पूरा के पूरा वीडियो देखिएगा और एक लाइक जरूर दे के जाइएगा दोस्तों, क्योंकि जानते हैं आपके एक लाइक देना कितना मायने रखता है। तो वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए अपना वेबसाइट का URL चाहिए होगा। तो आशा रखता हूँ कि मैं आप अपना YouTube चैनल में लॉगिन हुए होंगे, अगर लॉगिन नहीं हुए हो तो लॉगिन हो जाइए। सिंपली www.youtube.com को खोलिए और माई चैनल ऑप्शन को क्लिक करने से ऐसा चैनल का ऑप्शन चला आएगा, और उसका जो URL है उसे कॉपी करना है हम लोगों को। जस्ट कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट करके गो कर दीजिए। दोस्तों, जैसे ही गो कर देंगे तो ऐसा चला आएगा। देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं। देखिए चला आया हमारे पास कस्टम ट्विटर यूट्यूब। ओके, ये टैब रिमूव कर दीजिए, और उसके बाद अगर आप चाहे तो कोई भी कलर आप उठा सकते हैं। ओके, तो मैं क्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ कस्टम करके प्राइमरी कलर ले लेता हूँ रेड, सॉरी यहाँ पे ही कुछ ब्लू चूज कर लेते हैं। ब्लू चूज करके आपको दिखाने के लिए, तुरंत दिखाने के लिए ब्लू चूज करके नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट कर देंगे, आपका ऐप का नाम, दोस्तों आपका ऐप का जो नाम है वो क्या देना होगा, आपका जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही सिंपली यहाँ पे टाइप करना होगा। दोस्तों, जैसे मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम है कि यूट्यूब एक्सप्लेनर, तो वही मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे सिंपली YouTube Explainer और नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक मतलब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अगर आप चाहे तो उसे मैन्युअली टाइप करके कुछ लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए, हेयर इज माय चैनल यूट्यूब एक्सप्लेनर, दिस चैनल कंटेंट हिंदी वीडियोज लेटेस्ट, मतलब जो आपका यूट्यूब चैनल में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो थोड़ा सा यहाँ पे चला आया, तो वही रहने दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। अपलोड कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली चला आएगा, यही तो इसका फ़ायदा है इस चैनल को यूज करने का। देखिए यहाँ पे आपका चैनल का जो लोगो वो ऑटोमेटिकली चला आया। इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए और क्रिएट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे तो हाँ, ये आपका चैनल और आपका जो ऐप है वो बिल्कुल भी रेडी है। तो अब इसे कैसे एडमोब की ऐड लगाना है इसमें, तो इसे ज़रा देखिए। एडमोब की ऐड लगाने के लिए आपको करना ये है कि दोस्तों, इसको हटा दीजिए और देखिए यहाँ पे जो मोनिटाइजेशन ऑप्शन है, मोनिटाइजेशन पे जाइए। मोनिटाइजेशन पे जाने के बाद आपको
यहाँ पे एड्स लगाना है दोस्तों। एड्स लगाने के लिए देखिए यहाँ पे एड्स लगाने के लिए दो ऑप्शन है, बैनर एड लगा सकते हैं और इंटरस्टिशियल एड लगा सकते हैं। इसमें एक और भी फायदा है दोस्तों, जैसे ही आप एक कोड डाल देंगे ना, एक कोड पे ये सारी की सारी पेज, जितना भी पेज खोलेगा आपका व्यूअर्स और आपका यूजर्स, सारी की सारी पेज में एक नया नया एड और नया नया इंटरस्टिशियल एड ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, तुरंत आपकी जो मतलब एडमोब अकाउंट है उसमें लॉगिन हो जाना है। देखिए एडमोब पे लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल सी आपको प्रोसेस दिखाते हैं एडमोब पे लॉगिन होके। जैसे ही आप एडमोब को खोलेंगे, ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे एडमोब अकाउंट बनाया जाता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगा जिसपे आपको पता चल जाएगा कि कैसे एडमोब पे अकाउंट बनाना है। तो इसे सिंपली साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने से देखिए ये आपको एक रीडायरेक्टिंग कर देगा। तो देखिए मेरा अकाउंट, इस वजह से एडमोब का अकाउंट खुल गया है। अगर आपके पास नहीं है तो मेरा वीडियोज़ को देख के आपको पता चल जाएगा कि कैसे एडमोब का अकाउंट बनाना है, पिछले वीडियोज़ को देख लीजिए। इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है खोलने में एडमोब में, देखिए खुल गया। तो दोस्तों आज तक का मेरा जो अर्निंग है थोड़ा सा है, क्योंकि मेरा ये नया प्रोजेक्ट शुरू किया है अभी अभी। तो दिखा देते हैं कितना अर्निंग हुआ है। दोस्तों अभी तक का मेरा जो अर्निंग है दिस मंथ, देखिए लास्ट मंथ मैंने $9.67 और दिस मंथ मैंने $14.55 से अर्निंग किए हैं। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से आप अपना फेसबुक को भी एक वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे भी अर्निंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने करके मेरा जो देखिए एस्टिमेटेड अर्निंग 3.66 पर डे ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐप में क्लिक करना है और ऐड ऐप पे क्लिक करना है और यहाँ पे नो करना है, एंड्रॉयड वाला चुनना है, ऐप का नेम देना है जो ही आपने दिया है यूट्यूब एक्सप्लेनर। सॉरी यूट्यूब एक्सप्लेनर लिख दिया और ऐड कर दिया और क्रिएट एड यूनिट पे क्लिक किया। देखिए हमें चाहिए बैनर एड और इंटरस्टिशियल एड, सिलेक्ट किया, नेम डालना है हम लोगों को। तो मैं BANNER बैनर 1 दे देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। ले लीजिए आपका बैनर एड तैयार है। अब आपको क्लिक करना है क्रिएट अनदर एड यूनिट पे और हमें इंटरस्टिशियल ऐड करना है। यहाँ पे कुछ भी नाम दे दीजिए, इंटरस्टिशियल 1 दे दिया और क्रिएट कर दिया। अब इसको डन बटन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे देखिए सिंपली कॉपी बटन है, कॉपी करना है, डैशबोर्ड पे जाना है, मतलब ऐप गाइजर की डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पे देखिए ऐड मोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिंपली पेस्ट कर देना है और दूसरी तरफ एडमोब इंटरस्टिशियल पे ऐड करना है और जो इंटरस्टिशियल कोड आपने क्रिएट किया था उसको कॉपी करना है। सिंपली यहाँ पे फिर से डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और आपको सेव कर देना है। जैसे ही सेव कर देंगे आपका ऐप तो बिल्कुल तैयार है। तो आप कैसे डाउनलोड करना है उस ऐप को आपको वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए डैशबोर्ड पे जाना है आपको, डैशबोर्ड में जाने के बाद देखिए यूट्यूब एक्सप्लेनर ऐसे खुला हुआ होगा। इसको सिंपली देखिए यहाँ पे जो डाउनलोड योर ऐप ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली प्ले स्टोर में पब्लिश कर सकते हैं और आपका फ्रेंड को रेफर कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं अगर चाहे तो। मैं अगर चाहूँ तो मैं फेसबुक पे यहाँ पे डायरेक्टली फ्रेंड्स को शेयर कर सकता हूँ, अगर कोई चाहे तो इसे डाउनलोड भी कर सकता है दोस्तों। ओके तो मैंने चलो फिर पोस्ट कर दिया और यहाँ पे ऐप को डाउनलोड भी कर लिया। जैसे ही डाउनलोड करेंगे देखिए ये प्रोसेस तुरंत शुरू हो जाएगा। ये देखिए अब डाउनलोड बटन क्रिएट हो गया, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया टैब खुल जाएगा और देखिए यहाँ पे आपका जो डाउनलोड ऑप्शन है वो स्टार्ट हो गया है। दोस्तों ये जो मेरा ऐप है 6.8 MB लेता है
और स्टार्ट हो गया। इसको यूज करके आप मेरा चैनल को भी सर्च कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा है, अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे आप फ्री में इस ऐप को ऑल ओवर दिस वर्ल्ड पे, मतलब कहीं भी, मतलब आप इंटरनेट पर पब्लिश करना चाहते हैं फ्री में और ऐसे जगह में जहाँ पे बहुत सारा पब्लिक हो और डाउनलोड करने के लिए तो उपलब्ध हो, तो उस जगह पे आपको पब्लिश करने के लिए कैसे पब्लिश करना है उसे देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा इस वीडियो को लाइक ज़रूर देना और मेरा चैनल की वीडियो सेक्शन पे जाइए। हमेशा से ही मैं ऐसा ऐसा वीडियोज को अपलोड करता रहता हूँ और तुरंत मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाने जा रहा हूँ कि कैसे आप इस ऐप को दूसरी जगह पे पब्लिश कर सकते हैं इंटरनेट पे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तब तक देखने के लिए बाय बाय दोस्तों, चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ, दूसरी वीडियो के साथ।